बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सिंगल नेशनल करिकुलम के कोर्स को कवर करते हुए आज भी आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जब ट्रेनिंग चल रही थी तो बहुत सारे प्राइमरी स्कूल टीचर्स का ये कहना था कि सर, हमारा जो नेम है वो रॉन्ग डिस्प्ले हो रहा है आपके पास, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये मास्टर ट्रेनर्स के हाथ में तो था नहीं। टीचर्स का जितना भी डेटा है वो SIS यानी कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम से पिक किया गया था, तो मास्टर ट्रेनर्स उसको ठीक कर सकते ही नहीं थे। तो मास्टर ट्रेनर्स के पास भी कोई वैलिड आंसर नहीं था कि वो अपना नेम कैसे ठीक कर सकते हैं, बिकॉज़ सिस के ऊपर तो डेटा लॉक है। कोई भी टीचर अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कोई भी उसमें फील्ड को चेंज नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, क्या उनका नेम जो सिंगल नेशनल करिकुलम का सर्टिफिकेट जो उनको मिलना है एट द एंड, क्या उस पर भी रॉन्ग डिस्प्ले होगा? जी हाँ, अगर उसको ठीक नहीं करते तो जो आपका नेम है वो सर्टिफिकेट के ऊपर भी रॉन्ग ही प्रिंट होगा। तो टीचर्स जिनका नेम SIS यानी कि सिस के ऊपर रॉन्ग डिस्प्ले हो रहा है, या प्राइवेट स्कूल टीचर रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना नेम रॉन्ग टाइप कर बैठे हैं, यानी कि कोई एक आध स्पेल उनका रॉन्ग हो गया है, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने snc.punjab.gov.pk चाहे ये लिख दें, चाहे www.lms.snc.punjab.gov.pk लिख दें, एक ही बात है, ये दोनों आपको एक ही साइट पे लेके जाते हैं। तो ये ओपन हो जाने के बाद आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, यानी SIS वाला गवर्नमेंट टीचर्स यानी पब्लिक स्कूल टीचर्स जो हैं वही अपना सिस वाला यूज़र नेम पासवर्ड, जबकि जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं वो अपना जो रजिस्ट्रेशन के वक्त उन्होंने अपना पासवर्ड सेट किया था अपने CNIC नंबर के साथ वो दे देंगे। लॉगिन के बटन को प्रेस करेंगे तो सामने आपके ये इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपके सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। बट आपने क्या करना है, ये ऊपर जो टॉप राइट कॉर्नर में जो रेड कलर का एक बटन नज़र आ रहा है आपको, इसको प्रेस कर देना है। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ग्रेड्स, तो आपने इसमें से प्रोफाइल के बटन को प्रेस कर देना है। प्रोफाइल के बटन को प्रेस करें, थोड़ा वेट करें, पेज आपका रीलोड होगा। अब देखिए यहाँ पे जो नेम है टीचर का वो रॉन्ग डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने करना ये है कि यूज़र डिटेल्स जहाँ लिखा है उसके नीचे लिखा आ रहा है एडिट प्रोफाइल, ठीक है। यूज़र डिटेल्स के नीचे एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन आ रही है, हम इसको प्रेस कर देंगे और थोड़ा वेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सामने कुछ इस तरह से फील्ड शो हो जाएंगी, फर्स्ट नेम, सर नेम, ईमेल। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ से फर्स्ट नेम सेट कर दें, हम यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देंगे और नीचे जहाँ पे टेस्ट लिखा आ रहा है बाय मिस्टेक तो इस पर अपना लास्ट नेम यहाँ पर दे देंगे। ईमेल भी आप चेंज कर सकते हैं बट हम नहीं कर रहे। तो उसके बाद आपने एंड पे चले जाना है, फॉर्म के एंड पे नीचे जाते जाएं तो जैसे स्क्रॉल करते हुए आपने बाकी किसी और ऑप्शंस को बिल्कुल नहीं छेड़ना। एंड पे जाके यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा है अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल पे जैसे करेंगे तो ये आपका नेम चेंज होकर सामने आ जाएगा। अब जो सामने नेम आ रहा है यही नेम आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी प्रिंट होगा। याद रखिए ये नेम सिर्फ यहीं चेंज हुआ है, सिस पर नहीं चेंज हुआ। सिस पर डेटा आपका एज इट इज़ लॉक है, ये सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ही है। शुक्रिया। रिस्पेक्टेड टीचर्स, यूट्यूब पे हमारा चैनल है स्कूल एक्टिविटीज़ एंड वार्मर्स, इस पर आपको सिंगल नेशनल करिकुलम के कोर्स के साथ साथ स्कूल और क्लासरूम से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी। ये एक्टिविटीज़ इंग्लिश, साइंस, मैथ और उर्दू पर मुश्तमिल हैं, जो कि आपके LND सब्जेक्ट और सिंगल नेशनल करिकुलम पर मुश्तमिल हैं। आपका जस्ट एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। जज़ाकअल्लाह।